क्लास टू लेसन वन सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर द नाउन संज्ञा के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है. नाउन मीन्स संज्ञा. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन नेम. इस पूरे विश्व में प्रत्येक वस्तु का अपना नाम होता है. वी कॉल एवरीथिंग बाई इट्स नेम. हम सभी उनको नाम से जानते हैं या किसी भी वस्तु का जो नाम होता है उसी के द्वारा उसको बुलाया जाता है. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नाम वाले जो शब्द हैं वो नाउन्स मीन्स संज्ञा कहलाते हैं. ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग. संज्ञा शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या वस्तु के नाम के द्वारा किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे पर्सन्स देख सकते हैं हम. फर्स्ट जो फिगर है वो अमिताभ बच्चन, उसके बाद विराट कोहली, टीचर एंड गर्ल. तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स हैं. उसके बाद थिंग्स एंड प्लेसेस. तो थिंग्स एंड प्लेसेस के एग्जाम्पल टेबल, बुक, लोटस टेम्पल एंड मार्केट. एनिमल्स एंड बर्ड्स टाइगर, बियर, आउल एंड क्रो. इस तरह से हम देख सकते हैं कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है. अब हमको नाउन के जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे. तो नाउन्स आर ऑफ फाइव काइंड्स. संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं. बट इन दिस चैप्टर, लेकिन इस पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द टू मेन काइंड्स ऑफ द नाउन. हम केवल मुख्य दो संज्ञा के बारे में यहां पे पढ़ेंगे. पहला है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और ए थिंग. प्रॉपर नाउन जो है वो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या किसी वस्तु विशेष का नाम होता है. प्रॉपर नाउन्स आर आल्सो नोन एज द स्पेशल नेम्स. प्रॉपर नाउन को हम विशेष नाम के द्वारा भी जानते हैं. जैसे हम सभी का नाम होता है, जितने भी वस्तुएं हैं उनका नाम होता है, तो इसके द्वारा हम उनको जानते हैं. एग्जाम्पल्स तो यहाँ हम देखेंगे. जैसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो महात्मा गांधी का है. सेकेंड रेड फोर्ट, बाइबल एंड हिमालयस. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का निश्चित नाम होता है. रिमेम्बर इट में यहाँ पे दिया है प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन कभी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है. द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ऑसेंस, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, डायरेक्शंस, होली बुक्स, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, न्यूज पेपर्स, वेल नोन बिल्डिंग्स आर प्रॉपर नाउन्स एंड ऑल्सो बिगिन विथ ये कैपिटल लेटर. जो नाम है नदियों के, समुद्र के, महासागर, देश, महाद्वीप, दिशाएं, पवित्र बुक जो है, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर, इन सब का जो नाम होता है, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं. और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. स्मॉल लेटर से कभी भी प्रॉपर नाउन को स्टार्ट नहीं करते हैं. इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है.
इसके बाद जो दूसरा प्रकार है नाउन का, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? तो द नाउन विच एक्सप्रेसेस द नेम गिवेन इन कॉमन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो कि एक पूरे समूह का संबोधन करता है। उसी प्रकार के जो समूह है उसको जब संबोधित करता है तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे द नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन सच एज टीचर, पोस्टमैन, मैन, वुमेन एटसेट्रा आर कॉमन नाउन्स। जो नेमिंग वर्ड्स है पर्सन्स के, जैसे टीचर है चाहे वो मेल हो या फीमेल, पोस्टमैन है, मैन है, वुमेन है, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ये एक प्रकार के व्यक्तियों का समूह है। जैसे टीचर है तो टीचर में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आता है। पोस्टमैन है तो पोस्टमैन में बहुत सारे जितने भी पोस्टमैन हैं वो उस कॉमन नाउन के अंतर्गत रखे जाएंगे। मेन है तो मेन जितने भी आदमी हैं वो एक समूह में रखे जाएंगे तो वो कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से वुमेन है, वुमेन भी एक कॉमन नाउन का ही एग्जाम्पल है। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी देख सकते हैं। एनिमल्स में आता है काउ, काउ में जितने भी काउज होंगे सब आ जाएंगे। इसके बाद गॉड, एलिफेंट, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। बर्ड्स में भी हम इसी तरह से देख सकते हैं। इसी तरह हम जो थिंग्स है चेयर्स, टेबल्स, तो ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे भी जो थिंग्स दिए हैं एग्जाम्पल्स में चेयर, काउ, स्कूल एटसेट्रा, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसमें भी रिमेम्बर इट दिया है। रिमेम्बर इट में ए कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर इन मिडिल ऑफ ए सेंटेंस। कॉमन नाउन जो है वो कैपिटल लेटर्स से शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमन नाउन जो है वो मिडिल में उपयोग, सेंटेंस के मिडिल में उपयोग होता है। और हम जानते हैं कि सेंटेंस के मिडिल में जो भी वर्ड आते हैं वो स्मॉल लेटर से ही लिखे जाते हैं, कैपिटल से नहीं लिखे जाते हैं। अगर कॉमन नाउन की जगह प्रॉपर नाउन आता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम सेंटेंस के बीच में आता है, तो हम वहां पे कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे, नहीं तो हम कैपिटल लेटर का उपयोग केवल सेंटेंस की शुरुआत में ही करते हैं। या फिर प्रॉपर नाउन है तो जहां भी प्रॉपर नाउन होगा वहां पे हम कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे, बाद बाकी हम सभी स्मॉल लेटर का ही उपयोग करते हैं लिखने के लिए।